आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शराब माफिया व शराब तस्करी में संलिप्त तस्करों पर गैंगस्टर व रासुका की कार्रवाई करने का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दिया सख्त निर्देश, ताकि सकुशल संपन्न कराया जा सके 2022 का विधानसभा चुनाव। सोमवार को यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु महानगर में वन वे डायवर्जन प्रातः 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा लागू। महानगर में बाहर से आने वाले बड़े चार पहिया वाहन रहेंगे प्रतिबंधित। एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने दी जानकारी। भारतेंदु नाट अकादमी के अध्यक्ष रवि शंकर खरे मीडिया से हुए रूबरू, कहा 4 जनवरी से 8 जनवरी तक योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 5 दिवसीय आजादी का रंगोत्सव कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। लोक नृत्य एवं लोक गीत का किया जाएगा निशुल्क मंचीय प्रदर्शन, किया सभी को आमंत्रित। गठबंधन दलों के जिला अध्यक्ष व पदाधिकारियों की बैठक सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय पर हुई संपन्न। जनपद की सभी 9 विधानसभा सीट 2022 में जीतने की बनी रणनीति। शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान केंद्र में रविवार को नागरिकों की उमड़ी भीड़। नागरिकों ने बाड़े के पास पहुंचकर जानवरों को देखकर जमकर उठाया लुत्फ, कहा प्रदेश में दोबारा बनेगी 2022 में भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ बनेंगे दोबारा मुख्यमंत्री। सावित्री बाई फूले की जयंती की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े एवं अल्पसंख्यक शिक्षक संघ ने आयोजित किया कार्यक्रम, कहा अध्यापकों का भी दायित्व है कि वंचित समाज को शिक्षा देने का करें काम। और नए साल के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में नागरिकों ने पहुंचकर गोरखनाथ बाबा की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। गोरखनाथ मंदिर के मेले में पहुंचकर झूला मौत का कुआं, ब्रेक डांस झूला, गनशॉट ट्रेन पर बैठकर जमकर उठाया लुत्फ।